उत्तर प्रदेश के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल में अब पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने गोलीकांड के मुख्य आरोपी सलमान को नामजद करते हुए FIR दर्ज की है, साथ ही हिरासत में लेकर कई लोगों से पूछताछ कर रही है। हिंसा प्रभावित थाना हरदी और महसी के चौकी प्रभारी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। उधर बहराइच हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहराइच में बवाल करने और माहौल बिगाड़ने वाले किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं। मुख्यमंत्री ने उपद्रवियों की पहचान कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। CM योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिखा गया है, जनपद बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना हुई है ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय से प्रतिमा विसर्जन कराने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अलावा इस मामले पर बहराइच की SP वृंदा शुक्ला ने बताया कि स्थिति को संभाल लिया गया है और मौके पर पर्याप्त फोर्स तैनात है। जी, महसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेके तकरार हुए, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए, उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया और फिर उसका फ़ायदा उठा के कुछ शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। तो पुलिस द्वारा बहुत तेज़ी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए और जहां पे भी इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं और अब सभी जगह सकुशल विसर्जन जो है पुनः आरंभ हो गया है और कई स्थानों पर जल्दी समाप्त भी होने वाला है। सभी विसर्जन प्रोसेशंस के साथ में पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है और जहां जहां पे भी डिस्टर्बेंस हुआ है वहां पे हमारे जो भी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है सभी जगह पे पुलिस द्वारा विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कराई जा रही है और विसर्जन समाप्त होने के तत्काल बाद उनकी गिरफ्तारी भी आरंभ हो जाएगी। जो महाराजगंज में घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, उसमें 30 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है जो कि भाग गया है उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो गई है, उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया गया है। पूरे मामले में कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग घायल हैं? जी, अभी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 2 लोग घायल हैं। आपको बता दें कि बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 समुदाय आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद बवाल बढ़ गया था। इस दौरान हुई फायरिंग में एक शख्स की जान चली गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने रात भर आगजनी की, लेकिन इसके बाद मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम जो रोका गया था, जब स्थितियां सामान्य हुई तो पुलिस प्रशासन की निगरानी में मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम को पूरा करवाया गया।